आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष सदैव तत्पर। प्रदेश कांग्रेस महासचिव एवं पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनमोहन कटोच ने इंदौरा में चुनाव आयोग द्वारा इंदौरा के आदर्श बूथ का भगवाकरण करने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनाव आयोग की निम्न स्तर से लेकर शीर्ष स्तर तक कार्यप्रणाली पूरे देश में रही है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग भी मोदी सरकार के हाथों में खेलता नजर आया है। इससे तो यही साबित होता है कि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं मोदी के रंग में रंगा हुआ है। जिस तरह आदर्श बूथ बनाकर भगवाकरण किया गया है, यह बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जो कि निष्पक्षता से काम करता था, वही चुनाव आयोग इस चुनाव में मोदी के रंग में रंगा नजर आया है। बोलना चाहूंगा कि जो आज जिस तरह से ये आपने बूथ को देखा है, हमारे इंदौरा वाले बूथ को देखा है, और जिस तरह से यहाँ पर भगवाकरण किया गया है चुनाव आयोग द्वारा, मैं इसका पूरी तरह से विरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से। ये कहना चाहूंगा कि जो चुनाव आयोग है शीर्ष से लेके निम्न स्तर तक जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पूरे देश में रही है, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि वो किसी सरकार के हाथों में खेलती हुई नजर आई है। और चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मोदीमय हो गया है, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मोदी के रंग में रंगा हुआ है। जिस तरह से भगवाकरण बूथों का किया जा रहा है और बूथों के ऊपर जो आदर्श बूथ बनाए हुए हैं उनका भगवाकरण किया गया है, ये एक शर्मनाक बात है और मैं इसका विरोध करता हूं आपके माध्यम से। ये कहना चाहूंगा कि पहली दफा हिंदुस्तान में चुनाव आयोग जो निष्पक्षता से काम करता था, चुनाव आयोग कहीं ना कहीं मोदी के रंग में रंगा हुआ नजर आया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हमने आदर्श मतदान केंद्र के लिए जो टेंट हाउस वालों से बात करी थी, उन्होंने हमें बताया कि उनके पास जो भी टेंट पड़े हुए हैं वो उन्होंने लगा दिए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्पेशली भगवान को हमने कोई तरजीह दी है। निर्वाचन आयोग ECI द्वारा जो भी हमें निर्देश दिए गए, हम उन्हीं के निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के हक में हम कोई काम कर रहे हैं। इस पर इंदौरा के नायब तहसीलदार ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि टेंट हाउस वाले के पास जो भी टेंट था उसने लगा दिया है, इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आदर्श बूथ को भगवाकरण करने के लिए कोई भी निर्देश नहीं दिया गया था। ठाकुर द्वारा जिला कांगड़ा से आपका चैनल के लिए गगन ललगोत्रा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।